हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है मेजर साहब और आज आ गया हूं मैं मुंबई गोरेगांव ईस्ट में। दोस्तों यहां पे एक बड़ा सा गार्डन है, बहुत पुराना है। गार्डन का नाम है छोटा कश्मीर। यहां पे काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है दोस्तों। ऐसे एक फिल्म आई थी 1997 में एक फ़िल्म आई थी दोस्तों, सलमान खान का, जिसमें डबल रोल था। फिल्म का नाम था जुड़वा। उसका कुछ सीन दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्डिंग हुआ है। जुड़वा फिल्म का एक सीन दोस्तों किसी मॉल में लिया गया, वो सीन मैं आप लोग को पहले दिखा चुका हूँ, वो जो कि जुहू में था। उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट में भी ते हैं टॉयलेट में, टॉयलेट पे मिलने के बाद बोलते अपने अपनी पोटियों से नहीं छुपाएंगे, तो वो इसी गार्डन में लेके आते दोस्तों उन लोग को, करिश्मा कपूर और रंभा जी को। सलमान खान का जो डबल रोल रहता है, पीछे एक गार्डन दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, उधर है। और कुछ सीन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया दोस्तों। सलमान खान जब करिश्मा कपूर और रंभा को लेके आते हैं यहाँ पे, तो उसके पीछे कादिर खान और उनके साथ एक और जो रहता है उनका साला, वो भी आता है दोस्तों। तो वो सीन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। आपको मैं स्क्रीन शॉट के साथ जो भी सीन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया जुड़वा फिल्म का सब दिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं, लेके चलते हैं हम शूटिंग लोकेशन की तरफ आपको। ये गार्डन आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना है। यहाँ पे काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे दिखा चुका हूँ, जैसे कि आंखें फिल्म का एक सीन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, लाल दुपट्टे वाली बता तेरा नाम तो क्या है, उसका भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद दिल जले फिल्म देखे होंगे अजय देवगन का, उसका भी एक सीन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। और जंजीर फिल्म अमिताभ बच्चन का जो आया था, उसका भी कुछ सीन यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। मतलब 90s के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग होता था। अभी ये गार्डन का दुर्दशा थोड़ा ख़राब हो गया है, इतना मेंटेन नहीं रख रहे होंगे, अभी ये टूट टूट गया है। पहले ये देखना फिल्म में जो मैं दिखाऊंगा काफ़ी खूबसूरत रहा होगा। और ये गार्डन जो अभी तो पूरा एकदम ख़त्म ही हो गया है। तो चलिए मैं आप लोग को पहले शूटिंग लोकेशन दिखा देता हूँ, बाकी जो भी रहेगा ये गार्डन घुमा दूंगा दोस्तों। अगर ये गार्डन पे अगर आप लोग आना चाहते हैं छोटा कश्मीर, तो आप गोरेगांव रेलवे स्टेशन उतरो, वहाँ से रिक्शा और बस दोनों मिल जाएगा और यहाँ पर आ सकते हैं। रिक्शा पर आएंगे तो 50 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा किराया रहेगा और बस पर आएंगे तो सिर्फ 5 रुपये है दोस्तों। ये गार्डन का नाम है छोटा कश्मीर। जुड़वा फिल्म का एक सीन यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, जब सलमान खान यहाँ पे बैठे रहते हैं और करिश्मा कपूर को कादिर खान एयरपोर्ट लेके जाता है, जो सलमान खान का डबल रोल होता है प्रेम, उससे मिलवाने। लेकिन करिश्मा कपूर वहाँ से भाग के यहाँ आ जाती है और सलमान खान यहाँ पे बैठे रहते हैं। करिश्मा कपूर यहाँ पे आती है, जो कि इस साइड से आती है और यहाँ पे थोड़ा सा जंप मार के बैठती है। आप स्क्रीन शॉट से ये जगह मैच कर सकते हैं। आपको इधर एक पूल का तो बिल्कुल हरा भरा दिखाई दे रहा होगा। अभी ये जगह का तो दुर्दशा बदल गया है, गार्डन को अभी इतना मेंटेन नहीं रखते। 90s के टाइम पे बहुत मेंटेन रखते थे दोस्तों। आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा उस टाइम पे बिल्कुल घास, बिल्कुल हरा भरा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कुछ कपल्स वगैरह बैठे रहते टेबल उबल लेके, स्क्रीन शॉट के साथ आप ये जगह मैच कर सकते हैं। आपको इस साइड पर ना ऐसे करके ये पूरा वो दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इधर भी अभी जहाँ पर मैं बैठा हूँ ना, यहाँ पे कुछ झाड़ जंगल उग गया है, इसके वजह से कैमरे के उस पार से दिखा रहा हूँ। आप स्क्रीन शॉट से जगह मैच कर सकते हैं। आपको इस साइड पे फूलों का वो दिखाई दे रहा होगा, पूरा सी लाइन ऐसे करके, और यहाँ पे थोड़ा सा जगह दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे आपको ये गेट है, 97 में भी था और अभी भी है, 26 साल बाद में आपको ये जगह दिखा रहा हूँ। तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया, मतलब गार्डन का दुर्दशा ही बदल गया। आप स्क्रीन शॉट के साथ मैच कर सकते हैं, कुछ इस हिसाब से भी वो सीन, शायद सीन तो डीप रहता है जैसा मैं दिखा, लेकिन जगह इस हिसाब से दिखाया जाता है। आपको ये बैकग्राउंड में पूरा सा कुछ दिखाई दे रहा होगा, मतलब ऐसी जैसा इधर लगा हुआ रहता है उस हिसाब से उधर भी लगा हुआ रहता है। स्क्रीन शॉट के साथ मैच कर सकते हैं। उसके बाद कुछ सीन दोस्तों वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, मैं आपको उधर का चल करके दिखा देता हूँ। ये गार्डन का दुर्दशा बिल्कुल ही बदल गया, अभी इतना मेंटेन नहीं रखते हैं, तो बहुत खूबसूरत गार्डन है दोस्तों। ये छोटा कश्मीर है, ये मेन गेट है, मतलब एग्जिट और एंट्री दोनों गेट यही है। यहाँ से टिकट ले सकते हैं, 5 रुपये टिकट लेगा अंदर आने के लिए। उसके बाद इधर रोड से ऊपर जा सकते हैं, कपल के लिए बेस्ट गार्डन है दोस्तों ये। किधर भी कोने में झाड़ पे पत्थरों के नीचे पड़े रहो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कोई पूछने वाला कोई देखने वाला नहीं रहता है। स्क्रीन शॉट के साथ आप ये जगह मैच कर सकते हैं, आपको बैकग्राउंड पे ये दिख जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सलमान खान और करिश्मा कपूर बैठे रहते हैं और करिश्मा कपूर कुछ उनसे बातें करती रहती है, और बैकग्राउंड पे आपको ये दीवार दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। बताया ना आपको मैं, ये अभी गार्डन का दुर्दशा बिल्कुल खराब हो गया। 97 में काफ़ी मेंटेन रखा जाता था, देखभाल हुआ जाता, अभी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस ऐसे जंगल देखो ना, झाड़ उड़ भी सूख गया है, पानी उन्हें कुछ भी नहीं डाल रहा है दोस्तों। तो ऐसा है,
लेकिन आप स्क्रीन शॉट से ये जगह मैच कर सकते हैं। आपको पीछे थोड़ा सा एक झाड़ दिखाई दे रहा होगा, वो झाड़ भी अभी ख़त्म हो गया है। यहाँ पे भी काफ़ी झाड़ था जो कि मैंने दिल जले मूवी में ये जगह का सीन दिखाया था। अभी मैं यहाँ पे जुड़वा का दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट के साथ यहाँ पे मैच कर सकते हैं। उसके बाद सलमान खान और करिश्मा कपूर चलते हुए यहाँ तक आते हैं। कुछ सीन दोस्तों एयरपोर्ट का भी दिखाया जाता है, प्रेम का भी सीन काफ़ी दिखाया जाता है। इस हिसाब से सलमान खान और करिश्मा कपूर जी चल के, सलमान खान वहाँ से जब उठते हैं तो यहाँ से आते हैं और इस साइड पे आपको बैकग्राउंड पे ये वाला यहाँ पे झाड़ जंगल दिखाई देगा, स्क्रीन शॉट के साथ मैच कर सकते हैं। उसके बाद उसको सीन यहाँ पे कट हो जाता है। उसके दूसरे सीन में जब सलमान खान और करिश्मा कपूर रंबा और कादिर खान का सीन रहता है वो यहाँ पे रहता है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा स्क्रीन शॉट के साथ। यहाँ पे आपको एक घर टूटा हुआ मलबा दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी साल से टूटा हुआ है, 4-5 साल से इसको बनाया नहीं गया है बिल्कुल। ये घर का काफ़ी फिल्मों में सीन दिखाया जाता है दोस्तों, दिखाया गया है, लेकिन ये टूट गया जब से, तो इसका मलबा खाली यहाँ पड़ा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं कह रहा, मेंटेन नहीं है दोस्तों इस गार्डन का। सलमान खान और जब किस करते हैं फिर सलमान खान का जो दूसरा रोल रहता है मतलब प्रेम रहता है, वो एयरपोर्ट में रंबा को किस कर लेते हैं दोस्तों, तो वो सीन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। बैकग्राउंड में यहाँ पे काफ़ी हरा भरा दिखाई दे रहा होगा आपको, ये छोटा सा दीवार स्क्रीन शॉट में दिखाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में, तो वो सीन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। फिर सलमान खान और करिश्मा कपूर यहाँ पे जो भी किस करते हैं वही रिफ्लेक्शन वहाँ पे होते हैं दोस्तों, एयरपोर्ट में प्रेम के साथ पे। उसके बाद फिर वो सलमान खान को कादिर खान अपने घर लेके चले जाते हैं और रूपा रोते हुए वहाँ से एयरपोर्ट से चली जाती है, और करिश्मा कपूर और सलमान खान का सीन जो रहता है यहाँ पे कट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों एक सीन में सलमान खान और करिश्मा कपूर यहाँ से ऐसे करके गाड़ी लेके आते हैं और उसमें कादिर खान और टिपू तलसानिया भी बैठे रहते हैं। उसके बाद गाड़ी यहाँ पे रुकती है दोस्तों, और बैकग्राउंड पे आपको ये वाला सीन दिखाई दे रहा है कुछ इस हिसाब से स्क्रीन शॉट में। आ गए खजूर। आप स्क्रीन शॉट से ये सीन मैच कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे उनकी गाड़ी खड़ी रहती है और उसके बाद ये आपको स्टैचू दिख जाएगा, ये छोटा सा वो दिखाई दे रहा होगा बोर्ड जो डिटेल लिखा हुआ है गार्डन का, कब बना था कैसे बना था वो दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये जो आपको कपल दिख रहा है इसके पीछे घर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, लेकिन अभी वहाँ पे खाली मलबे पड़ा है घर का, मैं आपको वो भी चल के दिखा दूंगा। यहाँ पे रुकते हैं और उसके बाद करिश्मा कपूर और सलमान खान गाड़ी से निकलते हैं और पीछे वाले डिक्की पे, डिक्की के साइड पे कादिर खान और उनके साथ जो दूसरा बंदा रहता है वो रहते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये रॉन्ग नंबर है, उन लोग को पता रहता है कि असली वाला सलमान खान दूसरा वाला है। ये सलमान खान डेगर के बाहर यहाँ पे करते हैं और उनको जाने दो। सलमान का दूसरा कैरेक्टर रहता है सलमान, उसको ढूंढते रहते हैं करिश्मा कपूर के यहाँ पे क्यों लेके आया, किसी को भी तो फिर वो बोलते हैं तू मेरा राजा ही है ना, मेरा राजा तो बाद बाद में पहले पकड़ लेता है, हाथ पकड़ लेता है। तो वो सीन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया दोस्तों, 26 साल पहले यहाँ पे काफी हरा भरा हुआ करता था, अभी तो बिल्कुल भी कुछ भी मतलब मुझे लगता है तब से ही ना बेकार ही छोड़ दिया है। देख सकते हो ये आपको दिखाई दे रहा हाथी का, वो सीमेंट का बना हुआ था, खाली लोखंड बचा हुआ है, वो हाथी का स्टैचू बना हुआ था अभी खाली लोखंड बचा, सीमेंट तो बिल्कुल उससे मलबे माल जो रहता है पूरा झड़ गया दोस्तों, ये पूरा दीवार टूट गया, ये गार्डन इधर है इधर का दुर्दशा खराब हो गया। उसके बाद सलमान खान इधर ही किसी झाड़ के पास कहीं छुपे हुए रहते हैं, जो दूसरा वाला सलमान खान मतलब प्रेम और राजा दूसरे से इशारे में बात करते रहते हैं। फिर करिश्मा कपूर यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा कमर डाउन करके उनको डिग्गी दिखाते, बम देते कि मेरा राजा रहेगा तो वो मारेगा, तो फिर सलमान इशारा करते उसको मारने के लिए, वो मारते। और एक सीन में दोस्तों इस हिसाब से दिखाया जाता है जिसमें कादिर खान उनके साले साहब रहते, वो बोलते कादिर खान को जीजाजी ये रॉन्ग नंबर है। तो आपको बैकग्राउंड में ये चीज दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये वाला स्टैचू दिखाई दे रहा होगा, ये बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कार खड़ी रहती है दोस्तों वो दिखाई दे रहा होगा। फिर करिश्मा कपूर ऐसे वहाँ पे झुक जाते डाउन होते हैं, फिर सलमान उसको मारते बोलते हैं मेरा राजा, तो वो चिपक जाता है सलमान खान इधर किसी झाड़ के पास से, उसको बोलता है चल उसको हटा दे दूर कर दे। तो वो सीन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया दोस्तों, छोटा कश्मीर में युवा फिल्म का जो सीन रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद कुछ सीन आपको इस साइड से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, स्क्रीन शॉट के साथ मैच कर सकते हैं। ये बैठने वाला जो चेयर लगा दिया गया ना, अभी लगा दिया है, पहले नहीं था 26 साल पहले, ये बीच वाला चेयर है ना उसके पास में आपको स्क्रीन शॉट के साथ आप वो जगह मैच कर सकते हैं, इस हिसाब से वो सीन दिखाया जाता है स्क्रीन शॉट से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको मैं वो जो टूटा हुआ आपको स्क्रीन शॉट में घर दिखाई दे रहा होगा था ना दोस्तों, वो घर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। 5-6 साल हो गया तब से वो टूटा हुआ ही पड़ा हुआ है और वो बना नहीं रहा दोस्तों। ये देखना पहले उस टाइम पे इसमें पानी उनी हुआ करता था, अभी तो ये कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली बैठा हुआ मतलब पड़ा हुआ है। तो आगे का जो सीन है मतलब सीन तो नहीं है, जो घर दिखाया जाता है वहाँ से मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ दोस्तों। आपको जो
उस साइड से मैं जो सीन दिखा रहा था और स्क्रीन शॉट में आपको जो घर दिखाई दे रहा होगा फिल्म में, जुड़वा फिल्म में, वो सीन के पीछे जो घर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपको, वो घर ये वाला है। देखो ये बिल्कुल टूटा हुआ है। ये जगह पे ना दोस्तों मैं कह रहा हूँ तकरीबन 50 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है इस घर पे। अगर ये रहता ना मैं एक एक करके सारे फिल्मों का दिखाता, लेकिन अभी यहाँ पे है ही नहीं, बिल्कुल तोड़ उड़ दिया गया। दिव्या भारती कई 2-3 फिल्मों का यहाँ पे शूटिंग हुआ है, लेकिन ये घर ही तोड़ दिया, उसके बाद बना नहीं रहा। ये देख सकते हैं दोस्तों इधर काफ़ी नीचे आप लोग को ना डीप जाना पड़ेगा, सीढ़ियाँ ऐसे बना हुआ है। ये गार्डन काफ़ी बड़ा है दोस्तों, कम से कम 200-300 एकड़ में फैली हुई है, उससे ज़्यादा ही होगा। देखो ना आपको स्टेप बाय स्टेप जाने को मिल जाएगा। आप आ सकते हैं अपने कपल के साथ या फैमिली के साथ, हर तरह के लोग आते रहते हैं। देखो फैमिली आपको उधर दिखाई दे रहा होगा, उधर फैमिली वगैरह भी दिखाई देते हैं दोस्तों। इधर वीडियो फोटो शूटिंग और टिकटॉक्स रील्स के लिए आते हैं। ये गार्डन पे सिर्फ 5 रुपया टिकट है और कुछ नहीं, आप अंदर आओ एंजॉय करो। इधर आपको काफ़ी डीप दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, क्योंकि सीढ़ी बाय स्टेप उतर सकते हो। उधर कुछ कपल्स वगैरह है, ये देखिए आप कोई ऐसा सीढ़ी दिखा दे रहा ना, ऐसे जा जा के ना काफ़ी एकदम बहुत नीचे तक जा सकते हैं। आपको मैं उधर का भी दिखा देता हूँ, एक घर देख सकते हैं, मैं आपको उधर का दिखा रहा था, ये इधर का भी देख सकते हैं। हर तरफ से आपको नीचे, ये टॉप पे है दोस्तों, ये काफ़ी सीढ़ी चढ़ के ऊपर आना पड़ता है। इधर आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये जाना ही पड़ेगा नीचे उतरने के लिए। उधर से सीढ़ी बना हुआ है, इधर से भी उतरते हैं और इधर से भी सीढ़ी उड़ी बना हुआ है। ये घर देखो, मैं कह रहा 2015 में टूटा था, अभी 2023 चल रहा है दोस्तों, कितने साल हो गया कुछ भी नहीं बन रहा है, बिल्कुल अभी ये तो मतलब बेमरा हुआ छोड़ दिया गया है गार्डन को, नहीं तो ये तो बिल्कुल रौनक ही अलग था दोस्तों इस गार्डन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर से सीढ़ी बाय स्टेप उतर के उधर जा सकते हैं, इधर नीचे उतर सकते हैं, इधर भी है काफ़ी, आप फैमिली के साथ आ सकते हैं दोस्तों, कपल लोग तो आते ही रहते हैं, इंजॉय कर सकते, मस्त पिकनिक होगा यहाँ पे। और कोई भी आपको बोलने वाला कुछ भी करो, कुछ भी करो, वीडियो निकालो, फोटो निकालो, गाना बनाओ, रील्स बनाओ, कोई भी नहीं आपको बोलने वाला रहेगा। इधर बच्चे लोग के लिए भी कुछ खेलने वगैरह के लिए है, उस साइड पे भी है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जूम कर देता हूँ मैं। इधर बच्चे लोग को खेलने के लिए भी है, ये गेट है, ये सब पहले काफ़ी फूलों से सजी हुई रहती थी दोस्तों, अभी बेकार हो गया है। हाँ तो दोस्तों बताइए जुड़वा फिल्म का शूटिंग लोकेशन कैसा लगा आप लोग को। ये गार्डन बिल्कुल बदल गया है दोस्तों, 90s से लेकर के अभी तक 26 साल में एकदम बोले तो आसमान ज़मीन का फ़र्क हो गया, कुछ भी मेंटेन नहीं रखा है। अगर उस टाइम का अगर देखेंगे ना आपको दो ही चीज़ मिलेगा, आपको ये स्टैचू मिल जाएगा और ये बोर्ड मिल जाएगा, और ये घर जो है वो बिल्कुल ही बेकार ही हो गया। ये पूरी जगह आप लोग को बिल्कुल बदला हुआ दिखेगा 26 साल बाद। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।